कोरोना काल के समय में योग का बहुत महत्व रहा है। लोग घर में रहकर भी स्वास्थ्य का अनुभव किया है योग के माध्यम से। योग ऐसी पद्धति है जो प्राचीन पद्धतियां थी, जो आज ऋषि मुनियों का जो गुप्त धन था आज पूरे मार्केट में बांट दिया गया है। हर घर में योग पहुंचने लगा है, हर घर योगी बनने लगा है, हर लोग योगा करने लगे हैं। उनको पता है कि प्राणायाम, ध्यान, आसन व सत्कर्म की ओर भी चलने लगे हैं। यम, नियम, आसन ये सब भी आराम से करते हैं। और योग के माध्यम से इन्होंने अभी मुझे पूछा कि कोविड के समय में योग क्यों और किस लिए किया जाता है, कि योग को और भस्त्रिका जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में हमारी ब्रीदिंग जब बाहर निकलती है और हम लेते हैं तो हमारे लंग्स और फेफड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। योग आसान से किए जाने वाले आसन है। प्राणायाम प्राण से संबंधित व्यायाम है, वह हमारा प्राणायाम है। धन्यवाद देते हैं हम मोदी जी को, धन्यवाद देते हैं इन सभी को कि 2015 से जब इन्होंने इंटरनेशनल योग डे जब घोषित किया तो सारे विश्व में एक ऐसा उत्साह, एक ऐसी उत्साहित हुए लोग कि क्या है इस तरह आज इस योग को 2021 में ऐसे मना रहे हैं। घर घर भी ऐसे योग पहुंच रहा है इंटरनेशनल के द्वारा या नॉर्मल मोबाइल के द्वारा या हर आसनों में योग हो रहा है। एक त्यौहार की तरह हर योगी घर घर जाकर हर साधक अपने योग प्राणायाम बड़ी इच्छा से, बड़े लगाव से, बड़े चाव से कर रहे हैं। और गुरु और शिष्य का महत्व तो योग से ही पता चलता है। संसार में काफी बड़ा समय है लेकिन योग तो जिसका योग होता है वही करता है, हर कोई नहीं करता। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को योग व प्राणायाम की हमेशा हम यही विनती करेंगे। नमस्कार।